हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट एंड सावर लव स्टोरीज़। आज मैं सुनाने वाली हूँ रेसिपी ऑफ लव का फोर्थ पार्ट। लान वांग जी स्टंट होकर विभूषण को देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि विभूषण लाइट ऑफ करने के लिए बोल रहा है। उसने लाइट ऑफ नहीं किया तो विभूषण के आईब्रोज और सिकुड़ गए, पर उसे लाइट से प्रॉब्लम हो रही है ये बात लान वांग जी को समझ नहीं आया। उसे लगा कि कहीं सेफोई ड्रंक तो नहीं है, पर वो उसके बेड पर क्यों है? सेफोई, आपको तो इस वक्त अपने घर जाना चाहिए था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लान वांग जी ने धीरे से पूछा। लान वांग जी की वॉइस से विभूषण थोड़ा हिल उठा। उसने कहा, वांग जी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दोगे? सर दर्द? लान वांग जी हेजिटेट करते हुए पूछता है। इतनी रात को विभूषण उसके बेड पर है, उनकी वाइफ को पता चल जाएगा तो क्या होगा? पर विभूषण का चेहरा देखकर लग रहा है कि उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है। वांग जी लाइट ऑफ कर दो ना, विभूषण ने तड़पते हुए कहा। लाइट ऑफ करने की बात से लान वांग जी चौंक उठा। सेफोई तो हैप्पीली मैरिड है, वो उसके बेड पर आकर सो रहे हैं ये तो फिर भी ठीक है, पर वो उसे लाइट ऑफ करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? सेफोई उठिए, घर जाइए, लान वांग जी ने फिर से कहा। क्या मैं आपके ड्राइवर को कॉल करूँ? विभूषण बॉडी के पेन से और हेडेक से परेशान था। उसे बेडसाइड लैम्प की रोशनी भी अच्छी नहीं लग रही थी। लाइट को अवॉइड करने के लिए उसने करवट ली और कहा, मेरा सर। लान वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो हिचकिचाते हुए धीरे से विभूषण के फोरहेड पर हाथ रखता है। ये क्या, इनको तो तेज फीवर है। अपने फोरहेड पर लान वांग जी का टच पाकर विभूषण के मुँह से एक धीमी आवाज़ निकल आई। लान वांग जी विभूषण का सर दबाने लगा। इस टाइम उसे क्या करना चाहिए? विभूषण को तेज फीवर है। लान वांग जी को समझ आया कि इस वक्त उनको कोई होश नहीं है, वो सर दबाने के लिए बोल रहे हैं, पर सिर्फ सर दबाने से उन्हें आराम कैसे मिलेगा? लान वांग जी समझने की कोशिश करता है कि उसे क्या करना चाहिए। शायद विभूषण को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, पर उससे पहले मिसेस वोई को खबर करनी चाहिए, पर उसके पास तो ना मिसेस वोई का नंबर है और ना ही उसे कोई हॉस्पिटल पता है। लान वांग जी उठकर एक कपड़ा और पानी ले आया। विभूषण सर पर गीला कपड़ा रखकर उसने उसके ड्राइवर को कॉल किया। अंकल आप कहाँ हैं? लान वांग जी परेशान होकर पूछता है। मैं तो छुट्टी लेकर अपने गांव आया हूँ, ड्राइवर ने कहा। क्या कुछ काम था? आप गांव गए हो? सेफोई बीमार हालत में मेरे घर आ गए हैं, लगता है उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, लान वांग जी ने कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे मैडम का नंबर दे दीजिए, मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ। किसका नंबर? ड्राइवर ने पूछा। मिसेस वोई का, लान वांग जी ने कहा। उन्हें मेरी बातें समझ तो आएगी ना? कौन से मिसेस वोई की बात कर रहे हो तुम? ड्राइवर ने पूछा। सेफ वोई की वाइफ, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना, लान वांग जी ने कहा। सर की तो कोई वाइफ नहीं है, ड्राइवर ने कहा। वाइफ नहीं है तो उनके साथ उनके घर में कौन रहता है? लान वांग जी ने पूछा। उनके दोनों बिल्लुओं के सिवा तो उनका कोई है ही नहीं, ड्राइवर ने कहा। तो क्रिस्टल कौन है? लान वांग जी ने पूछा। क्रिस्टल तो उनकी बिल्ली है, ड्राइवर ने कहा। क्रिस्टल और मैग्नेट, यही दोनों तो रहते हैं उनके साथ। लान वांग जी की बोलती बंद हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोलेगा। क्रिस्टल बिल्ली का नाम है और वो सोच रहा था कि वो उनकी वाइफ है। मैं तुम्हें उनके डॉक्टर का नंबर देता हूँ, तुम उन्हें कॉल कर लो, अगर वो हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलते हैं तो ले जाना, नहीं तो उनकी बताई गई दवाई दे देना, ड्राइवर ने कहा। अंकल रुकिए, लान वांग जी ने कहा। इतनी रात को मुझे दवाई कहाँ से मिलेगी? आपको पता है इस टाइम मेरे घर के पास कौन से मेडिकल स्टोर्स खुले रहते हैं? दवाई तो डाइनिंग टेबल के लेफ्ट साइड वाली ड्रायर में रहती है, वहीं पर थर्मामीटर भी होगा, ड्राइवर ने कहा। लान वांग जी ने डॉक्टर को कॉल किया तो पता चला कि उनको पता है कि विभूषण बीमार है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा। उसे मैंने रेस्ट लेने के लिए कहा था, जो उसने किया नहीं होगा। ज़्यादा मेहनत करने की वजह से वो बीमार हो गया है, उसे बस फीवर की दवाई दे दो और सोने दो। लान वांग जी डॉक्टर की बताई हुई दवाई ढूंढ कर निकालता है। दवाई देने से पहले उसने उसका एक्सपायरी डेट भी चेक किया और फिर उसने विभूषण को ज़बरदस्ती उठाकर बिठाया। सेफोई दवाई ले लीजिए, उसने कहा।
लालराम जी की बातों से विभूषण ने दवाई ले लिया। क्या आपको अभी भी सर दर्द हो रहा है? लालराम जी ने पूछा। थोड़ी देर पहले उसमें जो हेजिटेशन था वो अब थोड़ा कम हो गया है। विभूषण मैरिड नहीं है, वो उन्हें छू सकता है। विभूषण ने जवाब दिया। लालराम जी विभूषण का सर दबाने लगा। तो क्रिस्टल और की बिल्ली का नाम है, सेफोई के घर में सिर्फ क्रिस्टल और मैग्नेट ही रहते हैं। उन्होंने सही कहा था, ये दोनों ही कैंड फूड खाते हैं। तो क्या सेफोई के लाइफ में उसके सिवा कोई और नहीं है? क्या इसलिए बीमार हालत में सेफोई उसी के पास आ गए हैं? लालराम जी बहुत प्यार से विभूषण की तरफ देखता है। क्या सेफोई के मन में उसके लिए कोई स्पेशल फीलिंग है? हो भी सकता है, नहीं तो वो उसे रहने के लिए इतना बढ़िया घर क्यों देते और हर हफ्ते उसे खाना बनाकर क्यों खिलाते? इतने बड़े सेफ होकर भी वो हर हफ्ते लालराम जी के पर्सनल कुक बन जाते हैं। क्या सेलिब्रिटी सेफ विभूषण को लालराम जी से प्यार है? इधर उधर की बातें सोचते सोचते लालराम जी की नज़र मेडिसिन के स्ट्रिप के ऊपर पड़ी। उसने दोबारा उसे उठाकर देखा। पहले उसने इसका एक्सपायरी डेट चेक किया था, अब जब उसने दोबारा देखा तब उसे पता चला कि उस मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग डेट उस टाइम का है जब वो सेफवे से उनके रेस्टोरेंट में मिला था। लालराम जी अपने आप को इस अपार्टमेंट का केयर टेकर समझता है। वो उसकी साफ सफाई करता है, पर वो सिर्फ किचन और बेडरूम के कवर्स और ड्रॉयर्स ही यूज़ करता है। उसके पास इतना सारा सामान तो नहीं है कि उसे सारे कवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो अपने ज़रूरत के बाहर किसी भी चीज़ों को नहीं छूता है। ड्राइवर अंकल के कहने पर ही आज उसने डाइनिंग का ड्रॉयर को पहली बार खोला था, पर उनको कैसे पता कि इस घर में मेडिसिन कहाँ रहते हैं? और अगर इस घर में कोई रहता ही नहीं था तो यहाँ पर इतना रिसेंट डेट का मेडिसिन कहाँ से आया? सेफोई ने जब कहा था कि ये घर बहुत दिनों से खाली पड़ा है तब उन्होंने झूठ कहा था, पर क्यों? कौन रहता था यहाँ पर? क्या उसके लिए किसी और को घर छोड़ना पड़ा है? क्या सेफोई ने इससे पहले किसी और को यहाँ रखा था? क्या उस इंसान के साथ सेफोई का कुछ और रिश्ता था? क्या वो उसे हटाकर लालराम जी को उस जगह पर लाना चाहते हैं? क्या उसे इस घर में रखने के पीछे सेफोई का कोई और मकसद है? लालराम जी बहुत उलझन में पड़ गया। वो उठकर चेक करने गया। पहले जो रहता था उसका कुछ और सामान भी तो रह सकता है। वो ड्राइंग रूम के कवर्स को चेक करने लगा। ज़्यादातर कवर्स तो खाली ही थे, पर एक कवर्ड के अंदर एक कोने में उसे कुछ दिखा। एक छोटे से बॉक्स में कुछ टॉयज दिखे और उसके साथ एक बॉक्स में उसे कुछ पार्ट्स दिखे। लालराम जी समझने की कोशिश करने लगा कि वो किस चीज़ के पार्ट्स है। थोड़ी देर में उसे समझ आया कि वो एक कैट ट्री के पार्ट्स है। लालराम जी को मैग्नेट की याद आई। उस दिन जब वो आई थी तब उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो पहली बार यहाँ आई हो। वो ऐसे चल रही थी जैसे कि ये उसी की टेरिटरी है। लालराम जी कन्फ्यूज होकर फ्लोर पर बैठ गया। तभी ड्राइवर ने विभूषण के बारे में खबर लेने के लिए कॉल किया। लालराम जी ने उसे बताया कि अभी विभूषण पहले से बेहतर है, डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा है। ठीक है, मैं कल ही आ जाऊँगा, ड्राइवर ने कहा। अंकल, मुझे आप एक बात बताइए, मेरे आने से पहले इस घर में कौन रहता था? लालराम जी ने पूछा। तुम्हारे आने से पहले? ड्राइवर ने पूछा। हाँ, मेरे आने से पहले। क्या सेफोई ने इससे पहले भी किसी और को इस घर में रखा था? लालराम जी ने पूछा। तुम्हारे आने से पहले तो वो खुद वहाँ रहते थे, वही तो उनका घर है। पर वो घर तुम्हारे क्लब के पास है इसलिए उन्होंने उसे तुम्हारे लिए खाली कर दिया, ड्राइवर ने कहा। उनके पास और कितने घर है? लालराम जी ने पूछा। और कोई घर नहीं है, ड्राइवर ने जवाब दिया। तो फिर वो अब कहाँ रहते हैं? लालराम जी ने पूछा। ड्राइवर ने अचानक रियलाइज़ किया कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। ये सब शायद उसे नहीं बताना चाहिए था। उसने कहा, वांग जी ये सब तुम उनसे ही पूछ लेना। अंकल, लालराम जी ने रिक्वेस्ट किया, पर ड्राइवर ने कुछ और नहीं बताया। वो अगले दिन ही वापस आ जाएगा कहकर उसने फ़ोन रख दिया। लालराम जी उठकर बेड पर वापस गया। बुखार और सर दर्द कम हो जाने की वजह से विभूषण का चेहरा अब थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। लालराम जी अजीब अजीब फैंटासीज में खोने लगा। क्या जो वो चाहता है वो उसे मिल सकता है? क्या उसे इस इंसान का प्यार मिल सकता है? वो धीरे से बेड के एक साइड लेट गया। जब तक ना सेफ हुई खुद इस बात को मानते हैं
तब तक इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें उससे प्यार है। उसके लिए उनके मन में कुछ और फीलिंग्स भी हो सकती हैं। लान वांग जी ने लाइट ऑफ कर दिया, फिर वो धीरे धीरे नींद की गहराई में खो गया। सुबह उसकी नींद खुली तो उसे याद आया कि आज वो प्रैक्टिस के लिए नहीं जा सकता। उसने कोच को कॉल करके बता दिया। जब वो फ्रेश होकर आया तब भी उसे विभूषण सोता हुआ ही दिखा। कल रात को मेडिसिन के स्ट्रिप्स बेड पर विभूषण के पास ही रह गए थे। लान वांग जी उन स्ट्रिप्स को उठाने के लिए झुका तो विभूषण ने उसे खींच लिया। मैग्नेट, बहुत सालों से विभूषण अकेला ही रहता है। फिर जब उसे मैग्नेट मिली तब से वही उसकी फैमिली बन गई थी। मैग्नेट एक बहुत प्राउड कैट है। छोटी मोटी शैतानी करना उसके पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं करता है। रोज़ सुबह वो बहुत तमीज के साथ विभूषण को नींद से उठाने आती है। वो विभूषण के चेस्ट के ऊपर चढ़कर उसके चेहरे को चाटती है। यही विभूषण का अलार्म क्लॉक है। पर नींद से उठने से पहले विभूषण मैग्नेट को थोड़ी देर अपनी बाहों में खींचकर पेट करता है। क्रिस्टल को इस घर में आए हुए बस एक साल ही हुआ है। वो मैग्नेट की तरह वेल बिहेव नहीं है। उसे दिन रात का भी समझ नहीं है। वो जब मर्जी खेलती है और जब मर्जी सोती है और जब मर्जी खाना मांगती है। जब वो लोग इस घर में रहते थे तब विभूषण को नींद से उठाने के लिए वो हमेशा इस बेड साइड लैम्प को ही जला देती थी। इसलिए कल रात जब लान वांग जी ने अचानक लैम्प ऑन कर दिया तब सोते हुए विभूषण को लगा कि वो क्रिस्टल का काम है। इसलिए उसने उस वक्त कहा था, क्रिस्टल मुझे सोने दो। उस टाइम उसे ठीक से होश नहीं था, पर आज नींद में होते हुए भी उसे समझ आ गया कि मैग्नेट समझकर उसने जिसे खींचा है वो मैग्नेट नहीं है। वो चौंक कर आँखें खोलता है और लान वांग जी को अपनी बाहों में देख कर डर जाता है। लान वांग जी को जल्दी से छोड़ते हुए उसने कहा, वांग जी आई एम सॉरी। लान वांग जी का आज बहुत बेशरम होने का मन हो रहा था, पर उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। वो सीधा हो गया और फिर इट्स ओके कहते हुए मेडिसिन की स्ट्रिप्स को उठा लिया। फिर विभूषण के चेहरे की तरफ देखते हुए उसने उसके फोरहेड पर हाथ रखा। अब फीवर नहीं है, अब फ्रेश हो जाइए, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ, कहकर वो चला गया। विभूषण हैरान होकर इधर उधर देखता है। वो यहाँ इस बेड पर क्या कर रहा है? अच्छे से सोचने के बाद भी वो बस इतना ही याद कर पाया कि वो एक इवेंट में गया हुआ था। पर उसके बाद क्या हुआ ये उसे याद क्यों नहीं आ रही है? क्या उसकी याददाश्त चली गई है या फिर वो कोमा में था? क्योंकि उसे जितना याद है उसमें उसने लान वांग जी से अपनी दिल की बात नहीं बताई थी। पर आज वांग जी का बिहेवियर देख कर लगा कि जैसे वो दोनों बहुत दिनों से ही साथ रहते हैं। विभूषण अपनी उंगली चेक करता है। उसके उंगली में कोई वेडिंग रिंग नहीं है। अगर वो दोनों साथ रहते हैं तो अभी तक उन दोनों ने शादी क्यों नहीं की? विभूषण इधर उधर देखता है। मैग्नेट और क्रिस्टल कहाँ हैं? शायद वांग जी ने ही उन दोनों को खाना दे दिया है। विभूषण अपना फ़ोन ढूंढता है पर उसे उसका फ़ोन नहीं दिखा। वो वॉशरूम चला गया पर वॉशरूम में उसे एक ही टूथब्रश दिखा। ये टूथब्रश उसका नहीं हो सकता और जो सोप और शैम्पू है वो भी उसके नहीं हो सकते। तो क्या वो यहाँ नहीं रहता है? तो वो अभी यहाँ क्या कर रहा है? विभूषण ये सब सोचते सोचते किसी तरीके से नहा कर टावल पहनकर निकल आया। लान वांग जी कुछ कपड़े लेकर खड़ा था। सेफ होई, क्या आप फिलहाल मेरे कपड़े पहन लेंगे? देखिए इनमें से कौन सा आपके लिए ठीक है, बाद में आप अपने घर से कपड़े मंगा लेना। लान वांग जी की बातें सुनकर विभूषण समझ गया कि उसका शक सच है। वो और लान वांग जी साथ नहीं हैं। लान वांग जी के हाथ से कपड़े लेते हुए वो सोचने लगा कि वो कैसे इस बारे में पूछे। उसके कुछ पूछने से पहले लान वांग जी ने कहा, आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, उसमें शायद चार्ज नहीं है, मैंने उसे डाइनिंग में चार्ज में लगाया है, आप कपड़े पहनकर ब्रेकफास्ट के लिए आ जाइए। वो विभूषण सिर्फ टॉवल में था। लान वांग जी उसके सामने ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहता था, वो अपनी बात ख़त्म करके जाने लगा। वो विभूषण ने पीछे से पूछा, वांग जी मुझे कल रात की बातें याद नहीं हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं रात को यहाँ क्या कर रहा था? लान वांग जी रुक गया। उसने धीरे से कहा, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। रात को बीमार हालत में आप अपने घर वालों के पास ना जाकर मेरे पास क्यों आ गए थे? आई एम सॉरी वांग जी, विभूषण ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। लान वांग जी पीछे मुड़ता है।
क्या आपको अपने घर का पता याद नहीं है? वो युवक्षा समझ नहीं पाया कि वो क्या बोलेगा। उसका ड्राइवर छुट्टी पर है, तो फिर वो कैब से ही आया होगा। गलती से उसने कैब वालों को अपने घर का एड्रेस ही दे दिया होगा। उसे कुछ भी याद नहीं है। कल रात उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, शायद वो सबकॉन्शसली यहाँ आ गया था। उसे चुप देख लानवांग जी ने पूछा, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या आपने मुझसे कुछ झूठ कहा है? वांग जी, आई एम सॉरी, वो युवक्षण ने कहा। आप पहले कपड़े पहन लीजिए, आपकी तबीयत ऐसे भी ठीक नहीं है, कहकर लानवांग जी चला गया। वो युवक्षण भी जल्दी से कपड़े पहनकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। लानवांग जी ब्रेकफास्ट लेकर टेबल पर बैठा था। उसने कहा, आपको तो पता ही है कि मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता है, आपको खाने में तकलीफ़ होगी, पर आपको दवाई लेना है इसलिए खा लीजिए, दोपहर को मैं खाना ऑर्डर कर दूँगा। क्या मैं दोपहर को भी यहीं रहने वाला हूँ? वो युवक्षण ने पूछा। ये घर तो आपका ही है, यहाँ आप कब तक रुकेंगे उस बारे में बोलने वाला मैं कौन हूँ? मैं तो बस इस घर का केयरटेकर हूँ ना, आप मेरे बॉस हो और मैं आपका एम्प्लॉई, लानवांग जी ने कहा। ऐसी बात नहीं है वांग जी, वो युवक्षण ने कहा, तुम मेरे एम्प्लॉई नहीं हो। मैं तो बस एक जूनियर बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। रहने के लिए घर देकर और हर हफ्ते खाना खिलाकर आप जिस पर मेहरबानी करते रहते हो, लानवांग जी ने कहा। वांग जी, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम पर मेहरबानी नहीं करता हूँ, विभूषण ने कहा। तो क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए, कोई स्पेशल सर्विस? लानवांग जी ने विभूषण की आंखों में देखकर पूछा। कुछ नहीं चाहिए, विभूषण उठकर खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूँ। इस हाल में कहाँ जा रहे हैं आप? आपको डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, अभी मेडिसिन ले लीजिए और आराम कीजिए, जब आपके ड्राइवर आ जाएंगे तब चले जाना, लानवांग जी ने कहा। ड्राइवर छुट्टी पर है, विभूषण ने कहा। तो आप मुझे अपने घर का एड्रेस बताइए, मैं जाकर आपके लिए कपड़े लेकर आता हूँ। आपके बिल्लियों को भी तो खाना खिलाना पड़ेगा, लानवांग जी ने पूछा। तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, विभूषण ने कहा। क्यों, क्या आपकी वाइफ मुझे देखकर नाराज़ हो जाएगी? लानवांग जी फ्लर्टियसली मुस्कुराता है। मेरी कोई वाइफ नहीं है, विभूषण ने कहा। तो आपका कोई पार्टनर तो है ना, आप उनसे मुझे नहीं मिलाओगे? लानवांग जी स्टीफ से एक टैबलेट निकालता है और विभूषण के मुंह में देता है, जल्दी खा लीजिए इसे। विभूषण ने पानी से टैबलेट को निगल लिया। अब जाकर सो जाइए, लानवांग जी ने कहा। वांग जी, मेरी वजह से तुम रात को सो नहीं पाए ना, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, विभूषण ने कहा। क्या आप मुझे आपके साथ सोने के लिए बोल रहे हैं? लानवांग जी ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, विभूषण ने गर्दन हिलाया। तो आप मुझसे चाहते क्या हो? आपको मुझसे प्यार भी नहीं है, आपको मेरे साथ सोना भी नहीं है, तो आप मेरी केयर क्यों करते रहते हो? क्या मैं आपके किसी रिश्तेदार की तरह दिखता हूँ? लानवांग जी ने पूछा। तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? विभूषण ने पूछा। आप चाहते हो तो सो जाऊंगा, आपको मुझसे प्यार हो ना हो, मुझे तो आपसे प्यार है ना, लानवांग जी ने कहा। विभूषण की बोलती बंद हो गई। उसे कुछ ना बोलते देख लानवांग जी उठकर खड़ा हो गया। फिर वो प्लेट्स लेकर किचन में चला गया। वो बर्तन धोने लगा तो विभूषण उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वांग जी, मुझे, लानवांग जी ने उसे कुछ बोलने नहीं दिया, वो खुद ही बोलने लगा। मुझे पता है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, पर आप मेरे लिए जो करते रहते हो उससे मेरे मन में आपको पाने की उम्मीद जागती है। मैं इस मामले में एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ, शायद मैंने जो समझा वो गलत है, विभूषण ने कहा। तुमने जो समझा वो सही है, पर वांग जी, मैं तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ, मैं जल्दी बूढ़ा हो जाऊँगा। कौन बूढ़ा हो जाएगा? लानवांग जी पीछे मुड़ता है। अब तो इतने सुंदर हो, आपको देखकर तो लगता ही नहीं है कि आप मुझसे ज़्यादा बड़े हो। वांग जी, विभूषण ने कहा, मुझे आपसे प्यार है, अगर आप मुझे अपने लायक सोचते हो तो मैं आपका बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ, और फिर आप अपने बिल्लियों के साथ घर वापस आ सकते हो। ओह, मैं तो भूल ही गया था, उनको खाना खिलाने के लिए घर में कोई है क्या? लानवांग जी ने पूछा। तुम चिंता मत करो, वो दोनों भूखे नहीं रहेंगे, वो युवक्षण लानवांग जी के करीब जाता है। फिर उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोलता है, मैग्नेट तो अच्छी है,
पर क्रिस्टल बहुत नॉटी है, तुम उनके साथ एडजस्ट कर लोगे ना? कर लूँगा, लानवांग जी ने कहा। वो बर्तन धो रहा था, उसके हाथ गीले थे, इसलिए वो विभूषण को पकड़ नहीं पा रहा था। उसने कहा, मेरे हाथ गीले हैं। कोई बात नहीं, कहकर विभूषण ने उसे और टाइटली पकड़ लिया। लानवांग जी भी और रह नहीं पाया, उसने अपने गीले हाथों से ही विभूषण को पकड़ लिया। थोड़ी देर वैसे ही रहने के बाद जब विभूषण ने उसे थोड़ा लूज छोड़ा, तब वो उसकी शर्ट उतारने लगा। वांग जी, इतनी भी क्या जल्दी है, विभूषण ने शर्ट को पकड़ते हुए कहा। सेफ हुए, फीवर की वजह से आपका दिमाग खराब हो गया है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। मेरे गीले हाथों से आपकी शर्ट गीली हो गई है, इसलिए मैं इसे उतार रहा था, कहते हुए लानवांग जी विभूषण से दूर हो गया। आप बेडरूम में जाकर खुद एक शर्ट निकाल कर पहन लीजिए। वांग जी, तुम सच में बहुत क्यूट हो, विभूषण ने मुस्कुरा कर कहा। मैं आपकी बिल्ली नहीं हूँ, लानवांग जी ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगा। विभूषण ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेडरूम में चलो वांग जी, मेरे लिए एक शर्ट निकाल दो। लानवांग जी पैर पटकते हुए बेडरूम की तरफ जाने लगा तो विभूषण मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल पड़ा। दोस्तों, आज का ये पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये पार्ट भी अच्छा लगा है। तो फिर बताइए आप लोगों को ये कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।